खबर अमनौर सांड से, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र के एक नियोजित शिक्षक के बैंक खाता से साइबर अपराधियों ने लाखों रुपया उड़ाया। पीड़ित शिक्षक अपहर गांव के देवलाल राम के पुत्र दशरथ राम बताया जाता है, जो खरीदा पूर्वी विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत है। इस मामले को लेकर शिक्षक ने थाना में एक लिखित शिकायत की है। दशरथ राम के खाते से साइबर क्राइम के माध्यम से उनके SBI अमनौर शाखा से 10 लाख के करीब रुपए निकासी हो गए हैं। इसको लेकर हमारे छपरा संवाददाता ने पीड़ित शिक्षक से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। भारत में अब देखा जा रहा है कि साइबर क्राइम जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सारण जिला के अमनौर में देखने को मिल रहा है। दशरथ राम जो कि प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, किस स्कूल में कार्यरत है? प्राथमिक विद्यालय खरीदा पूर्वी में। खरीदा पूर्वी में, खरीदा पूर्वी में यह व्यक्ति अभी कार्यरत हैं। इनके साथ लगभग 10 लाख रुपए का धोखाधड़ी का मामला उजागर हो रहा है, साइबर क्राइम भी कह सकते हैं। क्या है मामला इनसे भी जानते हैं। जबकि यह अमनौर SBI में इनका खाता है, 2003 से ये बहाल है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उस समय से अभी तक मैंने उस वेतन को छुआ नहीं, घर के और कार्य जो इनकी पत्नी भी टीचर है उससे चल जाता था, जरूरत के हिसाब से इसमें से भी पैसा निकाला जाता था। अभी इन्हें दो दिन पहले यह पता चला है कि इनके पैसे से, इनके खाते से पूरे पैसे निकल चुके हैं और ये सारी रिपोर्ट लिए हैं। अमनौर थाना में FIR दर्ज भी किए हैं। क्या है मामला, आइए इनसे सीधी बात करते हैं। क्या है मामला सर, और कब से आप कार्यरत हैं? हम 2003 से हैं। क्या है मामला? मामला यही है कि हम शादी के लिए सर 7.5 लाख रुपये लिए थे लोन, की शादी के लिए लोन 3 जून 2021 को हमारा सेक्शन हुआ था। पहले से हम जो कागज देना लेना था उनको दिए, वो पैसा आप दे दिए जी, वो पैसा बैंक का जो लोन लिए थे वो अपना पैसा कहाँ से, उसी को देने के लिए आप अभी प्रोसेस में लगे थे? प्रोसेस में लगे थे। तो कब से यह आपका पैसा निकासी होना शुरू हो गया? ये पैसा हमको पता नहीं था, हम जब जब बैंक जाते थे जी वहाँ से हमको टरका दिया जाता था कि आपके बैंक में ऐसे खाते में होल्ड कर दिया गया है जी, हैं मेरा खाता भी छापा नहीं जाता था ना दूसरा बनाया जाता था जी। हम ये नहीं जानते थे कि हाँ उसमें से कैसे ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है, चूँकि हम कोई मोबाइल टोबाइल पे अथी नहीं। कब आपको मालूम चला कि आपके खाते से पैसा 10 लाख रुपया निकल गया? मैं जब गया माझी इलेक्शन कराने के लिए, वहाँ से जब लौटा तो वहाँ हमने पैसे के लिए जब दिए, बोले कि सर हमारा पैसा नहीं नहीं कर रहा है, तो कहा कि आप पहले जाइए अपने बैंक में और खाते में देख लीजिए, देखने के बाद अति हमको अपना जो भी स्टेटमेंट होगा दीजिएगा, हम यहाँ से पैसा, तो हम आए थे तो यहाँ चेक कराए तो हमारा पैसा आया था, लेकिन उस खाते में हमने जब 1000 का मैं रोल भरा और कहा कि हमको पैसा सब की ज़रूरी है तो हमने, और 20,000 का चेक भी भरे थे तो वो नहीं दिया, कहा कि नहीं, 25 जगह क्लोज लगाते गया हमको टरकाते गया सब, जबकि मिलर नहीं हुआ था तो हमसे चेक में क्या दिक्कत है, चेक तो हम किसी को काट कर दे सकते थे, अब कोई दे अपना उठाव कर सकता था, कई बार हम किए हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन रह गई बात कि हमारे साथ अभी ऐसा बात था तभी ना हमको टरका रहा था सब। अभी जो आप SBI में गए हैं जी, क्या वहाँ क्या आवेदन दिए? वहाँ आवेदन यही दिए हैं FIR का, अमनौर थाने में भी है, अमनौर थाने में और थाने से लेकर के और बैंक मैनेजर साहब को भी दिए, शिक्षक संघ द्वारा? हाँ, शिक्षक संघ के द्वारा हमारे पूरे जिला अध्यक्ष भी आए हुए थे, समरेंद्र बहादुर भी प्रभात जी थे और नीरज जी थे। क्या आश्वासन मिला थाना अध्यक्ष के द्वारा, सुजीत कुमार द्वारा? आश्वासन यही मिला कि हाँ हर हाल में आपका पैसा कहीं जाएगा ना, हमें पाई पाई जोड़ करके दिलवाएंगे, चाहे जो हो जहाँ जिस कोने का हो उसको हम जान नहीं कोशिश करेंगे। दशरथ माझी जो कि नियोजित शिक्षक के रूप में, दशरथ राम शिक्षक के पद पे, इनके खाते से 10 लाख रुपए की निकासी हो गई है फर्जी तरीके से बताया जा रहा है। यह थाना अमनौर थाने में भी आवेदन दिए हैं, FIR दर्ज भी किए हैं और SBI प्रबंधक से भी बात किए हैं। सबसे बड़ी बात है इनकी जीवन भर की 2003 से लेकर 2021 तक की सारी पूंजी इनके खाते से निकासी हो चुकी है। यह व्यक्ति अब क्या करेंगे, अब इनका परिवार किस तरह से ज़िंदगी वहन करेगा, यह बहुत बड़ी समस्या आई हुई है और इस पे
थाना अध्यक्ष सुजीत कुमार कहां तक कार्रवाई करते हैं यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर क्राइम जो है काफ़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस पे लगाम अंकुश लगाने में अभी जो भी प्रशासनिक विभाग है पूरी तरह से सफलता नहीं प्राप्त कर रही है। नहीं तो ऐसे लोगों के खाते से डायरेक्ट रुपया निकल जाना या कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। और कुछ कहना है इस